नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो एक्स हिंदी में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। भारत सरकार के एक स्टेप से पूरी दुनिया की हथियार मार्केट में एक जलजला सही आ चुका है। जी दोस्तों, आपने सही सुना, भारत सरकार ने एक फैसला लिया है जिससे हम जो हथियार खरीदते थे विदेशों से, वो ज़्यादातर डील कैंसिल कर दी है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने 50,000 करोड़ रुपयों की डील कैंसिल कर दी है। भारत सरकार द्वारा लिया गया बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ये हथियार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे में भारत सरकार ने इन्हें रद्द क्यों किया, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से रक्षा हथियार सौदे हैं जो रद्द किए गए हैं। जो पहला रक्षा सौदा है वो है MiG-29 के लड़ाकू विमान। दरअसल भारत 12 MiG-29 के लड़ाकू विमान खरीदने की प्लानिंग कर रहा था। अब खबर यह आई है कि भारत इस डील को कैंसिल करने जा रहा है। दोस्तों, भारत सरकार ने यह एक बहुत बड़ा कारण बताया है कि यह बहुत पुराने हो चुके हैं, अब रूसी हथियार इतने रिलायबल भी नहीं रहे, इसलिए अब यह कहा जा रहा है कि फ्रांस द्वारा राफेल का M वेरिएंट खरीदा जाएगा या तो USA का F/A-18 सुपर हॉर्नेट। अब बात करी जाए दूसरे रक्षा सौदे की, यह सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम था जो शॉर्ट रेंज का था। इसका मकसद दुश्मन के एरियल टारगेट जैसे ड्रोन और फाइटर जेट को तबाह करना था। बताया जा रहा था कि यह डील रशिया या तो इसराइल को दी जाने वाली थी, तो फैसला किया गया है कि यह डील भी रद्द की जाएगी और कहा जा रहा है कि अब यह भारतीय DRDO को मिलेगी। इसके अलावा भारत रूस से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने वाला था। रूस से भारत एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने वाला था जिसका नाम क्लूप था, यह भी कैंसिल कर दिया गया है। ज्यादातर हथियार सौदे वेर कैंसिल जो किए गए हैं वो रूस को दिए गए थे, अब इनकी जगह अब स्वदेशी सिस्टम को खरीदा जाएगा। अब आप दोस्तों यह सोच रहे होंगे कि अब भारत सरकार ने रशिया को ही टारगेट किया है। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत सरकार का टारगेट मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को ही यूज करना है, इसलिए ही भारत ने USA से P-8I के 6 सर्विलांस एयरक्राफ्ट खरीदने वाला था। इन्हें अंडर रिव्यू कर दिया गया है। दोस्तों, अंडर रिव्यू में यह देखा जाता है कि क्या यह हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो इसकी जगह स्वदेशी हथियार में पैसा लगाया जाएगा। अगर नौसेना कहती है कि हाँ हमें P-8I पोसाइडर की ज़्यादा ज़रूरत है तो ये खरीद लिया जाएगा। पर ऐसा लग रहा है भारत रशिया डिफेंस इक्विपमेंट को पूरी तरह से वाइप आउट करना चाहता है, क्योंकि परसों ही भारत ने कमाओ 226 हेलीकॉप्टरों की डील कैंसिल कर दी थी। दोस्तों अब खबर आ रही है कि भारत कमाओ 31 जो शिपबोर्न हेलीकॉप्टर हैं उनकी डील भी भारत कैंसिल कर सकता है, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। दोस्तों कुछ रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में भारत जो दूसरे गैर जरूरी रक्षा सौदे हैं, गैर जरूरी मतलब जिनकी जरूरत अभी नहीं है, 1 या 2 साल के बाद कैंसिल किया जाएगा और भारतीय कंपनियों को पैसा दिया जाएगा और उन पे भरोसा जताया जाएगा कि आप हमारे लिए रक्षा इक्विपमेंट तैयार करें। यानी भारत की यह पूरी तैयारी है कि 100% संपूर्ण स्वदेशी हथियार ही अपनाया जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत सरकार के इस फैसले से भारत में ही लाखों रोजगार पैदा होंगे और भारतीय कंपनी फलेंगी फूलेंगी। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले कुछ समय में भारत अपनी सेना को मॉडर्न बनाना चाहता है, जिसमें कि वह $130 बिलियन के रक्षा सौदे करने को जा रही है। दोस्तों इससे ये साफ होता है कि ज़्यादातर रक्षा सौदे हथियार भारत अपनी स्वदेशी कंपनियों से ही खरीदेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।